अस्सलाम वालेकुम डियर SLS स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 जो है ग्रामेटरी का करेंगे और सब बच्चे ग्रामेटरी की बुक ओपन करेंगे। यूनिट नंबर 2 की एक्टिविटी नंबर सी जो है पेज नंबर 7 से। जी तो बच्चों, एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हम एडवर्ब जो है उसकी काइंड्स के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी जो है कुछ पढ़ चुके हैं, जिनमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद आज हम दो काइंड्स जो है वो सबसे पहले उसको करेंगे उनके बारे में। अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पर देखें तो आज का हमारा जो टॉपिक है एडवर्ब ऑफ निगेशन। असद कुड नॉट सिट फॉर द एग्जामिनेशन एज ही वॉज इल। नंबर नेक्स्ट है जॉन इज नॉट फीलिंग वेल एंड वॉन्ट्स टू गो होम। यहाँ पर नॉट का वर्ड जो है ये जो है नेगेटिव फॉर्म में यूज़ किया गया है, तो जहाँ पर भी नॉट यूज़ होगा नेगेटिव फॉर्म में तो उसको हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहेंगे। जो अगली हमारी टाइप है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो हमारे काम के, जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड्स जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, हाउ, मैनी, कितने, वेयर। वेयर हमेशा प्लेस के लिए, जगह के लिए यूज़ करते हैं। इसी के अलावा हु, कौन, हाउ, कैसे, ये वर्ड्स जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। सो आज हमने एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में जो है हमने जाना, यानी कि वो एडवर्ब जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। दोबारा से रिपीट करूँगी, प्लेस के लिए टू शो, प्लेस के लिए हम करेंगे वेयर, टाइम के लिए व्हेन, ठीक है, रीज़न के लिए हम यूज़ करेंगे और काज के लिए व्हाई, क्यों, ठीक है, और इसी तरह हाउ का जो वर्ड है ये वर्ड हम मैनर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो वो तमाम वर्ड जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करेंगे उनको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी नंबर सी, बुक पेज नंबर है हमारा 7। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। 1. डैश डिड यू नॉट रिस्पॉन्ड द एक्सीडेंट टू द पुलिस, कि तुमने एक्सीडेंट की इतला या रिपोर्ट पुलिस में क्यों नहीं की। रीज़न पूछी जा रही है, रीज़न के लिए हमने क्या यूज़ करना है, वाई। डैश डू यू थिंक, सेकेंड, डैश डू यू थिंक यू विल फिनिश रीडिंग दिस बुक, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हारी ये बुक की रीडिंग कब ख़त्म होगी, कब, कब। अब कब के लिए हमने वर्ड यूज़ किया, हमने क्वेश्चन के लिए पूछने के लिए व्हेन। 3. डैश हार्ड इज ए ट्रेनिंग नाउ, कितनी ट्रेनिंग मुश्किल है। तो ट्रेनिंग जो हम मैनर्स के लिए हम यूज़ वर्ड कर रहे हैं, ये मैनर के लिए, तो हाउ का वर्ड हो गया, हाउ हार्ड इज ए ट्रेनिंग नाउ, कितनी मुश्किल है। 4. मदर डैश आर माई सॉक्सेस, आस वानिया, वानिया ने पूछा कि मेरे सॉक्सेस कहाँ हैं, यानी कि प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है। जब प्लेसमेंट के लिए हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे वेयर। 5 इज डैश मैनी पीपल टर्न अप द टू लिसन टू मिनिस्टर स्पीच, कितने लोगों ने सुनी, यानी कि हम नंबर्स पूछे जा रहे हैं कि कितने हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाउ, हाउ मैनी पीपल। 6. डैश डू सम टाइगर्स बिकम मिनिएचर, जी कितने, हाउ। 7. डैश मच हैव यू पेड फॉर दीज फैंसी शूज, कितना फैंसी शूज़ के लिए पे किया, हाउ। 8. डैश डेड अकबर गो टू द मार्केट प्लेस, फिर दोबारा से अब ये जगह के लिए आ गया तो वेयर, वेयर डेड अकबर गो टू द मार्केट प्लेस। 9. डैश हाई इज माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट पर है, हाउ। 10. डैश कैन वी मीट एंड गो फॉर आ स्विम, फिर प्लेसमेंट के लिए पूछा जा रहा है तो वेयर। 11. डैश डेड ही गो आफ्टर स्कूल यस्टरडे, इसके लिए भी हमने प्लेसमेंट के लिए क्या, वो कल स्कूल, डिड ही गो आफ्टर
स्कूल यस्टरडे, तो ये भी प्लेसमेंट के लिए जब होगा तो वेयर. नंबर 12 इज डैश विल द शॉप्स ओपन इन टुमारो, के कल शॉप्स कितने कब ओपन होंगी, कब, कब के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, व्हेन. नंबर 13 डैश मैनी क्वेश्चन कोड यू आंसर करेक्टली, कितने क्वेश्चंस का आंसर तुमने ठीक से दिया, हाउ, कितने. नेक्स्ट है जी 14 नंबर पे है डैश आर यू लुकिंग सो सैड ऑन सच अ ब्राइट मॉर्निंग, रीज़न पूछी जा रही है कि ब्राइट मॉर्निंग में सैड क्यों हूँ, तो रीजन्स के लिए हम रीज़न जब हमने और उसके लिए हम काज के लिए जो है हम वाई यूज़ करते हैं, इसलिए वाई आर यू लुकिंग. नंबर 15 इज डैश डिड द थीफ हिट व्हाट द व्हाट ही हैड स्टोलन, के थीफ ने अपना जो छुपाई हुई चीज़ है वो कहाँ छुपाई. अब ये प्लेसमेंट के लिए दोबारा पूछा जा रहा है कि उसके लिए हम फिर प्लेसमेंट के लिए हमेशा वेयर का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पर 15 में वेयर का वर्ड हम यूज़ करेंगे. सो आज अपने एडवर्ब की मज़ीद दो काइंड्स, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब. निगेशन एडवर्ब जब नेगेटिव फॉर्म में जो है यूज़ होगा तो एडवर्ब ऑफ निगेशन, ठीक है, और जब क्वेश्चन पूछने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. और आज आप क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी नंबर सी बुक के ऊपर करेंगे पेज नंबर 7 पर. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको एडवर्ब्स की ये दोनों काइंड्स जो हैं वो आप समझ चुके होंगे और ये एक्टिविटी आप बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे. सो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़ बच्चों.